हाजे टूट गेले करम हमर फूट गेले डूब गेले अंगना दलान कोसी माई कोना का बनले बेदर्दी ले ली कते को के जान गे मैं मिथिला बनल छौ बिरान मिथिला बनल छौ बिरान। कोसी जब पूरे उफान पर होती है तो ये पूरा कुछ सब कुछ डूबा होता है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि क्या होता होगा जब कोई बीमार होता होगा। बीर गांव की सच्चाई आज जानेंगे देखेंगे। जी हाँ, चुनावी मुद्दे खूब बनते हैं, कोसी पे तमाम कुछ कहा गया, तमाम साहित्य मौजूद है, अलग से एक विभाग है, लेकिन सच्चाई बहुत कठोर है। बड़ा मुश्किल होता है काम करना, जी हाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक बैलगाड़ी के रास्ते जा रहा हूँ बीर गांव। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा ही काम होता है, और कोई रास्ता नहीं है और कोई जरिया नहीं है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। या तो नदी में उतरिए, और इस वक्त क्योंकि नदी में थोड़ा सा पानी कम है तो लोग नदी में भी उतर जाते हैं, लेकिन हमने बैलगाड़ी के जरिए बीर गांव तक पहुँचने का एक मार्ग चुना। जी हाँ, ये रास्ता ऐसा ही है और ऐसे ही जाना है। जी हाँ, डूब के जाना है। चलिए आइए डूबते। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। जी हाँ, गांव तक पहुंचने की यही एक पतली डोर है, इस डोर को थाम लीजिए और आप बीर गांव पहुंच जाएंगे। नाजुक है, कमजोर है, लेकिन सहारा एकमात्र यही डोर है। जी हाँ, इस डोर पे चलने का कर्तव्य तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसी तरह से रोज आते हैं जाते हैं और इसी डोर को पकड़ के पार। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नाम दाम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। जी हाँ, गांव को तक पहुंचने के लिए नाव नदी में आ गई है। अब ये मत पूछिएगा कि इस नदी के अंदर ये पहुंचते हुए ये पानी नाव के अंदर कैसे आ रहा है। जी हाँ, नाव टूटी हुई है और ये पानी लगातार इस पे आ रहा है, और जिंदगी जिंदगी इस पतली सी डोर पर, इस पतली सी राह पर रुकी हुई है। ये रस्सी बंधी है, इसी रस्सी के सहारे लोग रोज इसी तरह से क्रॉस करते हैं। ये रस्सी है जो गांव से गांव को जोड़ती है, तट से तट को जोड़ती है। नदी गहरी है और नाव में पानी तेजी से भरता जा रहा है। यकीन मानिए, मुझको तब तक किनारे पहुंच जाना है जब तक इसमें पानी इतना ना हो जाए कि यह मुश्किल बढ़ जाए। जी हाँ, लेकिन जिंदगी रोज इन लोगों की ऐसे ही है, एक पार से दूसरे पार इसी तरह जाते हैं। यहाँ से पटना बहुत दूर है, पटना से दिल्ली बहुत दूर है। जी हुजूर, जिंदगी यहाँ पर बहुत सस्ती है, डाल के देख लीजिए नाव पर एक बार, पहुंच जाएंगे किनारे। बच्चे छोटे छोटे ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही पार करते हैं, उस तरफ नहीं देखते हैं जिस तरफ नाव में पानी भरता है, सिर्फ रस्सी को पकड़े रहते हैं, वो भी एक कमजोर रस्सी जो उनको पार ले जाती है। यही गांव की राह है, इसी को पकड़ के एक बार से दूसरे बार तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये नदी की सच्चाई है, तक वो किनारे आ गया है और नाव में
नाव में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहुंचना है उस किनारे तक। जी हाँ, पानी बढ़ता जा रहा है और मुझे बताया गया है कि किनारा बहुत नजदीक है। ये किनारा तो लग गया, लेकिन 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 उस किनारे की अभी बहुत प्रतीक्षा है। दर दर जावे, हाक लगावे, निकल पड़ा रे, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे। दर दर जावे, हाक लगावे, तुम भी सुनो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे। जी हाँ, ये बांस के ठेई हैं, इन्हें बांस की ठेई कहा जाता है। गांव को कटने से बचाने के लिए लोग इसी तरह से बांस की ठेई लगाते हैं। गांव को धीरे धीरे खतरा होता है, रात में भी काट देती है ये कोसी बगल में जो आपके बह रही है, और गांव को हमेशा खतरे में सोना पड़ता है। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे। जी हाँ, आइसक्रीम गांव में बेची जा रही है। जी तो ये बड़ी भिलाई है, छोटी भिलाई? छोटी भिलाई। अच्छा, गांव में कितनी आबादी? ये हमारे मालूम नहीं है। और बाढ़ कितनी आती है? बहुत आती है। कितना पानी आता है? बहुत पानी आता है। तब क्या करते हो? इधर हम आते नहीं है, तब गुब्बान के पश्चिम रहते हैं। तब किसके पश्चिम रहते हो? पूरब। पूरब रहते हो? और अभी? अभी पश्चिम है। अभी पश्चिम है, तब पूरब रहते हैं। आ जाओ आ जाओ, बजाओ भाई बजाओ बजाओ। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे। जी, छोटी बिलाई होते हुए मैं बड़ी बिलाई के इस हाट में आ गया हूँ। देवकी देवी जो है अपनी दुकान को सजाने में जुटी हैं। आज ये हाट का समय है, बर्तन साफ किए जा रहे हैं, चमकाए जा रहे हैं। छोटा गांव है, ये मत पूछिएगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फिर तमाम बातें खुल जाएंगी, और जब बातें खुलने लगती हैं तो आप बड़े संजीदा हो जाते हो, पूछने लगते हो। फिर मैं कहता हूँ कि दया मत कीजिए, दवाई दीजिए, फिर मैं ये कहता हूँ। जी तो देवकी जी ने अपनी दुकान सजा ली है, चमका ली है। चमक गई दुकान? गर्दा बहुत हो गई थी इसमें, हैं? कह रही गर्दा बहुत हो गई थी, 6 महीने 7 महीने बाढ़ में डूबा रहता है ये इलाका। क्या बात है इस इलाके की। पहले यहाँ पर हम लोगों को सहरसा जाने के लिए भी जो है बहुत दिक्कत होता था, नाव पर टपना पड़ता था। यहाँ का मरीज जो है उसको अगर शाम में कोई प्रॉब्लम हो तो यही रास्ते पर दम तोड़ देता था, लेकिन अब नहीं है। मैंने कहा था कुछ पूछिएगा मत। जी ये चुनाव की बयार है, तेज बहती है कोसी से, तेज काटती है, इसकी धार बहुत तेज है। जी हाँ, बहुत तेज धार है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद नसीम। वाह मोहम्मद नसीम साहब, क्या बात है, मुस्कान ऐसी है कि सबको दिल जीत ले आपकी, क्या बात है। आपका चाचा क्या है? मोहम्मद मुस्तकीम जी। क्या कहते हैं चाचा? मिठाई का दुकान, मिठाई की, जलेबी की दुकान। जलेबी की दुकान है चाचा की, बड़ी मिठास है, मुस्कान में भी बड़ी मुस्कान है, क्या बात है चाचा। बिजली पानी सब नीतीश कुमार इस बार जीता देंगे, वो कहाँ कह गए हैं कि हम एकदम कर देंगे सब फ्री, जैसे बांध कर दिया आप लोग के सुविधा तैसे करेंगे। जैसे बांध कर दिया है वैसे ही घर घर जाने के लिए एकदम बिजली आ जाएगी। एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए जनता को, एक मौका चाहिए नेता को, बस और कुछ नहीं है ना। जी जी, एक मौका नेता को दे दो, एक मौका, एक मौका जनता को दे दो, बस फैसला आर और पार का। क्या बात है, देवकी जी ने अपनी दुकान लगा ली है, सजा ली है, कहा अब आप अपनी दुकान लेके बाहर जाइए तो हमारी दुकान चले। जी क्या बात है, देवकी जी की दुकान सज गई और मेरी दुकान थोड़ी इधर आ गई, बढ़ गई, मैंने अपनी दुकान बढ़ा ली है। ये मैदान है, यहाँ पर उधर मदरसा है, चारों सामने दिखाई पड़ता है, और बच्चे, ओहो क्या बात है, खूब बच्चे हैं यहाँ। लाल मोहम्मद की उछाल कितनी बड़ी है, उछाल बहुत तेज है, लेकिन उतनी उछाल नहीं है कि यहाँ से बात सहरसा तक चली जाए, सहरसा से
पटना तक चली जाए, पटना से दिल्ली तक चली जाए, दिल्ली तक जाएगा बिल्कुल जाएगा। उछल के दिखाओ फिर। बिल्कुल जाएगा। इस गांव की मजेदारी भी देखिए, कई बार कटा कई बार छटा, लेकिन उसके बाद भी खड़ा हो जाता है। गांव बड़ा गजब का है जी। आज मैं चुनाव के रास्ते नहीं, नेताजी के पीछे पीछे आ गया। गलती तो नहीं की जी? नहीं बिल्कुल। चाय आप बना रहे हैं जी? आपकी चाय में कुछ खास बात जरूर होगी। दूध बिल्कुल प्योर होगा जी, भैंसी दूध है। शहर वाले दूध में क्या होता है? दाना से खिलाया हुआ दूध तैयार रहता है। दाना से खिलाया हुआ दूध तैयार रहता है। यहाँ घास भूसा से तैयार होता है। ये गाय का जो दूध है, जो भैंस का जो दूध है, ये काहे का तैयार है? ये घास भूस से, घास और फूस से खा के जो मिलता है दूध, गजब। क्या देखेंगे दूध, देख लीजिए ये। अरे बताइए, नेता मिलावटदार होता है कि नहीं होता है? यहाँ जीत के गया नहीं, मिलावट हुई नहीं? नहीं हुई है, मिलावट हो जाती जैसे ही जीत के भेजिए, जैसे जीत के भेजिए वो वहाँ जाके मिलावटदार हो जाता है। जानते हैं, देखा है? देखा नहीं? देखा, बस ऐसे देखे हैं। जैसे कौन है बताइए इसमें? जैसे दूर से देखे हैं। दूर से देखे हैं, नजदीक आएंगे तो पहचान लेंगे? नहीं, देखिए दो चार पांच सवाल के बाद आदमी बता ही देता है हमको असली बात कि नहीं देखा है। कोई बात नहीं, गांव हाल चाल बताइए। कोसी का, कोसी ने जो 5 बरस पहले हम लोग बिल्कुल दर दर के ठोकर खा रहे थे, कहीं जाने आने का कोई व्यवस्था नहीं था। मरीज खटिया के बगैर मर जाता था, खटिया खोजने में बीमारी खत्म हो जाता था। आज का यो अपोजिशन है जो अभी बैठते हैं, दरभंगा पहुंच जाते हैं, पटना पहुंच जाते हैं। अब आपको जो भी बताना चाहें वो बताइए, मन से, खुला दरबार है, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे नहीं। नेताओं के आगे में कोई नेता नहीं है? मेरे नेताओं के आगे में कोई नेता है ही नहीं। जो आपका नेता है? जो मेरा नेता है विजेंद्र बाबू। अरे हम तो सोचे थे नाम लेंगे, कबीर दास, तुलसी दास, विष्णु जी, ब्रह्मा जी वाले ही नेता कहलाते हैं। अरे नीति पे जो चले वही नेता है। बहुत देर से हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं गुरु जी आप, हैं बहुत देर से हैं। देखिए दूर की बात सुन लेता हूँ मैं भी, कान मेरे भी हैं, और पीछे से नेता जी जब बोलेंगे भैया देखो गलत बात, चीटिंग करा रहे हो गुरु जी, और कंठी माला पहन के नकल करना गलत बात है। रास्ते में रुक जाओगे, ना उधर रहोगे ना इधर रहोगे, बीच में फंस जाओगे, त्रिशंक हो जाओगे। रुकना नहीं है तो मैं सच बोलो, माफिया और नेता में फर्क क्या होता हमारे साथ है उनको तो माफिया और नेता में फर्क क्या होता है? माफिया और नेता जो कहने के लिए कहता है, करने के लिए नहीं कहता। चुनाव का दरअसल खेल ही यही होता है। चुनाव के दौर में जब आप किसी से बात करेंगे, बहुत बढ़िया बात करता है, बहुत बढ़िया बात, आखिर में धीरे से जाके खट से चमची लगा देता है, खट से चमची। वो आप जानते हो कहाँ चमची लगती है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। हम लोग ये रोड भी नहीं देखते थे, बॉस उस कैसा होता है। सुपौल यहाँ से हम लोगों का जिला है, यहाँ से जाने में 4 रोज लगता था। एक रोज जाइए, एक रोज रहिए, तीसरे रोज आइए, कोसी बेल्ट में आने से घबराता था। लेकिन अब तो वो चीज़ नहीं है, 2 घंटा में हम लोग चले जाते हैं। दरभंगे बीमारी है तो तुरंत चले जाते हैं, हॉस्पिटल हो गया है। इस पर जो और गली गुली जो है ना, वो भी बन रहा है, धीरे धीरे तो बनने करेगा, बिजली आएगा। कैसा लगेंगे सर? 2 साल तो लग ही जाएगा। आपकी उम्र तक हो जाएगा ना, उम्मीद है ना पूरी? जी हो जाएगा। पक्का जी? वादा तो नहीं? नहीं। झूठा वादा? झूठा वादा तो नहीं है। आप थोड़ी ना करेंगे जो आप सब वादा हाँ हाँ किए जा रहे हैं जी। वीरेंद्र यादव को जिताएंगे तो हो जाएगा। सपोर्टर हैं आप जी? सूरज पीछे डूब रहा है और गाड़ी मेरी 4 लेन पर आ चुकी है आज। अभी बस सिर्फ इतना, बहुत जल्द आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए IBN। हर बाहु ते चाहे क्या, हर बाहु ते चाहे क्या।